हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीकानेर के बारे में। बीकानेर राजस्थान का एक जीवंत रेगिस्तान शहर है। भारत में थार रेगिस्तान के बीच में बीकानेर शहर बीकानेर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है और राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। बीकानेर के इतिहास के अनुसार पूर्व में बीकानेर शहर बीकानेर की रियासती राजधानी थी। इस शहर की स्थापना 1486 ईस्वी में राव बीक ने की थी, जब उनके पिता राव जोधा ने जोधपुर के शासनदार संस्थापक को अपना राज्य स्थापित करने के लिए चुनौती दी थी। राव बीका द्वारा यात्रा की और जब यह जंगल देश नामक जंगल पर आए तो उन्होंने अपना राज्य स्थापित करने और इसे प्रभावशाली शहर में बदलने का फैसला किया। तो आज हम बात करने वाला है बीकानेर के टॉप 10 स्थलों के बारे में, जो कि काफ़ी फेमस और बहुत ही सुंदर है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बीकानेर का बारे में। तो नंबर 1 पर है दोस्तों जूनागढ़ का किला। बीकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर जूनागढ़ का किला एक ऐतिहासिक किला है, जो भारत के राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित है। यह राजस्थान के कुछ प्रमुख किलों में से एक है, जो एक पहाड़ी की चोटी पर नहीं बनाया गया है और बीकानेर में देखने के लिए प्रमुख स्थानों में से सबसे एक माना जाता है। मूल रूप से यह चिंतामणि के रूप में जाना जाता है। किले का नाम बदलकर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जूनागढ़ या पुराना किला रखा गया था, जब सत्तारूढ़ परिवार किले की सीमा के बाहर लालगढ़ महल में चले गए थे। बीकानेर का आधुनिक शहर किले के आसपास विकसित हुआ और जूनागढ़ मूल में रूप में 1593 ईस्वी के बीच में बीकानेर के 6वें शासक राजा राय सिंह द्वारा बनाया गया था। नंबर 2 पर है लालगढ़ पैलेस। बीकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर लालगढ़ पैलेस बीकानेर में स्थित एक शाही महल है। यह ब्रिटिश राज्यों द्वारा भारतीय राजाओं के लिए शुरू किए गए कुछ महलों में से एक है और राजस्थान पर्यटन का अनुभव करने के लिए शीर्ष स्थानों में से एक है। राजसी भव्यता के बीच खड़े होकर और रॉयल्टी की गौरवशाली कहानियों को व्यक्त करते हुए बीकानेर में लालगढ़ पैलेस राजस्थान के इतिहास में सबसे आकर्षक महलों में से एक है। महल 1902 और 1926 ईस्वी में के बीच ब्रिटिश वास्तुकार सर सैमुअल स्क्विंटल जेकब द्वारा महाराजा गंगा सिंह के लिए बनाया गया था। लालगढ़ पैलेस भारतीय यूरोपीय और मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 3 मंजिल परिसर थार रेगिस्तान से निकाले गए लाल बालू और पत्थर के साथ बनाया गया है। बीकानेर का शाही परिवार अभी महल में रहता है और जिनके लिए एक हिस्सा रिजर्व महल में एक सुंदर पोर्टिको और इसमें कई अति संवेदनशील बालकनी और जाली का काम है। जटिल ढांचे और नेटवर्क संरचना के मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा मोर नृत्य के साथ बगीचे महल परिसर में अन्य आकर्षण वाली चीज़ें देखने को मिलती है। नंबर 3 पर है भंडासर जैन टेंपल। बीकानेर जंक्शन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भंडासर जैन मंदिर राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित है। एक प्राचीन मंदिर है। यह बीकानेर में तीर्थ स्थान के शीर्ष स्थानों में से एक और यह भी सबसे मज़ेदार बीकानेर पर्यटक स्थलों में से आकर्षण में आता है। भंडासर जैन मंदिर का निर्माण 1468 ईस्वी में एक जैन व्यापारी बंडदा ओसवाल ने किया था। 1514 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद पूरा हो गया था। यह मंदिर 5वें तीर्थकर सुमानित को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर मोर्टार के बजाय 40,000 किलोग्राम घी के साथ बनाया गया था, जो स्थानीय लोगों दीवारों के माध्यम से गर्म दिनों में आग लगाते हैं। नंबर 4 पर है लक्ष्मी निवास पैलेस। बीकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्मी निवास पैलेस राजस्थान के बीकानेर के लालगढ़ पैलेस परिसर में स्थित है। एक विरासत इमारत है। यह राजस्थान के खूबसूरत शाही महलों में से एक है और बीकानेर में घूमने के लिए शीर्ष विरासत स्थानों में से एक माना जाता है। लक्ष्मी निवास पैलेस बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह के पूर्व आवासीय महल 1898 और 1902 सुई के बीच बनाया गया था। लक्ष्मी निवास पैलेस महाराजा सर गंगा सिंह द्वारा शुरू किया गया था और सर सैमुअल स्क्विंटल जेकब द्वारा डिजाइन किया गया था। बीकानेर के महाराजा को भी इस क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में महल बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। इसके
पूरा होने पर संपत्ति को विस्तारित करने के लिए रोजाना योजनाएं बनाई गई थी, जो कि 1902 में और 1926 ईस्वी के बीच में निर्मित बड़े लालगढ़ पैलेस में संपत्ति का विस्तार करने के लिए की गई थी। नंबर 5 पर है गंगा राजकीय संग्रहालय। बीकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर गंगा सिंह संग्रहालय बीकानेर में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से एक है यह। राजस्थान राज्य में से सबसे अच्छा संग्रहालय है और बीकानेर के दर्शनीय स्थलों में से यात्रा के प्रसिद्ध स्थानों में से एक माना जाता है। महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1937 ईस्वी में स्थापित गंगा सिंह संग्रहालय लेखों की एक विस्तृत श्रृंखला, शिकार, ट्रॉफी और पुरातात्विक नमूने दिखाता है। ये नमूने हरपन युग और गुप्त काल के शुरुआती हिस्से से संबंधित है। पुरातात्विक वेदों के अनुसार ये लेख भारत के इतिहास के कई अंधेरे क्षेत्रों में प्रकाश डालते हैं। गंगा सिंह संग्रहालय 1937 से लालगढ़ पैलेस के नज़दीक स्थित है, लेकिन बाद में 1954 में सिविल साइंस में स्थानांतरित हो गया। राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासित किया गया था। नंबर छः पर स्थित है रामपुरिया हवेली समूह। बीकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर रामपुरिया हवेली राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। हवेलियों का एक समूह है रामपुरिया ग्रुप ऑफ हवेली। बीकानेर में प्रसिद्ध विरासत स्थलों में से एक है और शीर्ष बीकानेर पर्यटन स्थलों में से एक है। हेम्पिस का रामपुरिया समूह बीकानेर के में जाने माने हवेली में से एक और 400 से अधिक पुराने वास्तु शिल्प गौरव के लिए जाना जाता है। इन हवेली का निर्माण बलूजी चावला ने एक समूह व्यापारी रामपुरिया परिवार के आदेश के तहत किया गया था। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी से हवेली का निर्माण शुरू किया गया था। रामपुरिया व्यापारी सालाना 9 महीने के लिए विदेश व्यापार के लिए जाते थे और 3 महीने अपने मकानों को सजाने और घर पर आनंद लेकर अपने धन को खर्च करते थे। रामपुरिया हवेली समूह का महत्वपूर्ण आधार सामग्री के रूप में दुल्ले मेरा लाल बलुआ और पत्थर का निर्माण है। यह लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से 15वीं शताब्दी के दौरान प्रचलित उत्कृष्ट और उत्तम हस्तशिल्प के साथ सजाया गया था। अधिकांश हवेली का निर्माण जरोको प्रवेश द्वारा जाली वाली खिड़कियां, घुमरइयां या बेसमेंट के साथ किया गया था, जिससे उन्हें सबसे अधिक विदेशी अपील मिलती है। उनके बाहरी पर जरोका का प्रभुत्व है, जो सबसे खूबसूरत दिखने वाले हवेली प्रदान करता है। नंबर 7 पर स्थित है ऊंट सफारी। बीकानेर में रेगिस्तान ऊंट सफारी एक अजीब सवारी है, जिसे किसी को जीवन भर में कम से कम एक बार अनुभव करना चाहिए। थार रेगिस्तान पर सफारी चिपकलाली सांप, हिरण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बग और इंडियन गेजेल की कई प्रजातियों के साथ विविधतापूर्ण है। बीकानेर में रेगिस्तान ऊंट सफारी और जीप सफारी को व्यवस्थित करने के लिए कई ऑपरेटर जीवन शैली, संस्कृति, किले, महल, व्यंजन, रेगिस्तान सफारी, रीति रिवाजों, रहस्यों, कहानियों और आदि का अनुभव कर सकते हैं। ऊंट सफारी यात्रियों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहां परिदृश्य हरा नहीं है लेकिन आश्चर्यजनक है और यह एक रोमांचक है। पूरी तरह से अलग तरह से सूर्यास्त के सुंदर दृश्य है, जिसकी सूरमय सुंदरता का वर्णन करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है। पर्यटक लाइव संगीत और लोक नृत्य का आनंद भी ले सकते हैं। नंबर 8 पर है गजनेर पैलेस। बीकानेर से 34 किलोमीटर की दूरी पर गजनेर पैलेस बीकानेर शासकों का एक शिकार लॉज है, जो बीकानेर की गजनेर झील के तट पर स्थित है। थार रेगिस्तान के बीच में स्थित गजनेर पैलेस राजस्थान के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है और बीकानेर में जाने के लिए शीर्ष स्थानों में से एक माना जाता है। गजनेर पैलेस को मुख्य रूप से बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी के पूर्व शासक द्वारा ब्रिटिश राजा के दिनों में एक शिकार रिसोर्ट के रूप में बनाया गया था। शाही हवेली ने 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स समेत कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मेजबानी की है। 1927 में लॉर्ड इरविन के गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन्स और लॉर्ड माउंटबेटन भी, जब वे भारत के वाइस रहे थे, क्रिसमस के मौसम के दौरान महल में इंपीरियल रेड ग्रेस शूटिंग भारतीय सामाजिक कैलेंडर में निर्माण के बाद सर्वाधिक मांग थी। नंबर 9 पर स्थित है गजनेर वन्यजीव अभयारण्य। बीकानेर से 37 किलोमीटर की दूरी पर
स्थित है। बीकानेर में गजनेर वन्यजीव अभयारण्य गजनेर पैलेस के पास गजनेर झील के किनारे पर एक प्राकृतिक हेवन है। यह राजस्थान में प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है और बीकानेर में जाने के लिए प्रमुख स्थानों में से एक माना जाता है। एक छोटी पहाड़ी के ऊपर स्थित गजनेर वन्यजीव अभयारण्य एक ओएसिस और घने हरे जंगल के कवर के साथ वनस्पति और जीवों में से समृद्ध रिजर्व है। अभयारण्य पहले बीकानेर के महाराजा श्री गंगा सिंह द्वारा एक शिकार स्थल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अभयारण्य में एक खूबसूरत झील है जो सुंदरता को पूरा करने के लिए अलावा यहाँ अपनी प्यास बुझाने के लिए रहने वाले जानवरों द्वारा उपयोग की जाती है। भारत में चीता पुनरुत्पादन के लिए प्रस्तावित वनों में से एक माना जाता है। नंबर 10 जो कि एक आखिरी पॉइंट है, करणी माता टेम्पल। बीकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करणी माता मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक शहर में स्थित है। एक हिंदू मंदिर है। यह राजस्थान में तीर्थ यात्रा के शीर्ष स्थानों में से एक है और शीर्ष बीकानेर आकर्षण में से एक माना जाता है। देशनोक में करणी माता मंदिर देवी दुर्गा के अवतार करण माता को समर्पित है। चूहे मंदिर के रूप में भी इसको जाना जाता है। मंदिर चूहे की पूजा के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र है और हर दिन कई आगंतुकों को आकर्षित करता है। यह 600 साल का मंदिर हजारों काले भूरे और सफ़ेद चूहों या काबा का घर है। लोकगीत के अनुसार इस मंदिर में चूहों को खिलाने से अच्छा भाग्य आता है। स्थानीय विश्वास के अनुसार चूहों पवित्र पुरुषों के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की ये वीडियो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।